बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इकराम गैलेक्सी चैनल के साथ हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम आपको ले चलते हैं कराची प्रेस क्लब, जहां पर डॉक्टर नईमुद्दीन कंवल की तकरीब पज़ीराई हो रही है। डॉक्टर साहब न सिर्फ डॉक्टर हैं बल्कि एक बहुत बड़े साइंसदान हैं। उन्होंने नई एंटीबायोटिक ईजाद की है, जिसके इतराफ़ में यूएसए हुकूमत ने उनको एशियन आइंस्टाइन का लकब और अवार्ड से नवाजा है। बच्चों की शायरी के हवाले से बात करें तो वो 104 नज़में लिख चुके हैं, जो कि बच्चों में बहुत मकबूल हैं। आर्ट्स काउंसिल के सीनियर मेंबर हैं और बहुत अच्छे इंसान दोस्त हैं। आर्ट फ्रेंड सर्कल के दोस्त अहबाब ने डॉक्टर साहब के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ शायरी का अहतमाम किया है, जिसमें दोस्तों ने उनके बारे में अपने ख़यालात का इजहार किया है। बराए मेहरबानी वीडियो आखिर तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और वीडियो आखिर तक देखिएगा। हमें ये फख्र हासिल है कि हम इनके न्यायबंदों में शामिल हैं। मैं दावत दूंगा जनाब उस्मान नदीम साहब को, वो भी इस देश में तशरीफ ले आए। जिस तरीके से
मान लिया है उस पर लाइन नहीं है तो मुझे चाहिए खाली चाय के लवाजमात का बता तो उस वक्त जब कोई यार साथ हो जब यार साथ नहीं है तो कहा है कि तू नहीं है तो मुझे चाहिए खाली चाय और जब तुझे याद किया खुद ही बना ली चाय जब तुझे याद किया खुद ही बना ली चाय और मुझको मालूम है अब तू नहीं आने वाला मुझको मालूम है अब तू नहीं आने वाला जाने क्या सोच के दो कप ने निकाली चाय और मैं का जब कर्ज पड़ा रात तो कुछ रिंदों ने अपने पैमानों में भर भर के उछाली जाए शेर एक जो जहन में आ रहा है उसके बाद इजाजत के लड़की जब मेज से टकराई संभाला सबने लड़की जब मेज से टकराई संभाला सबने मैं अकेला था वहां जिसने संभाली यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम
जिहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें, और ये तमाम शमशीरें हमारे डॉक्टर नईम कमर साहब अपनी जेब में रखते हैं और बयान में रखते हैं। यकीन इतना है जो अपनी बात पर के पहले ये करना है और यकीन के साथ करते हैं और यकीन की तमाम मनाजिर तय करके उस पर अमल करके दिखाते हैं। यकीन है अमल पे हम जिससे मोहब्बत करते हैं खुल के करते हैं, बेमिसाल करते हैं और इस कदर मोहब्बत देते हैं बेशुमार मोहब्बत करते हैं। और यही वजह है आज फ्रेंड सर्कल किया, आज फ्रेंड सर्कल और आज काउंसिल किया, बल्कि खुद आर्ट फ्रेंड आर्ट काउंसिल के सदर जनाब मोहम्मद अहमद शाह साहब इनसे बनफ नबीर बहुत मोहब्बत करते हैं और हमें भी कहते हैं, हम मुख्तलिफ मकाली मुनद करते हैं, हमें ये बाकायदा हिदायत होती है कि डॉक्टर नईम कमर को ज़रूर बुलाएं और हम पूरी कोशिश करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने छोटे पैमाने पर सही लेकिन एक कमरी का इंतजाज किया है। हम डॉक्टर के बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो यहाँ तशरीफ लाए, तमाम दोस्तों के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो तशरीफ लाए और हम डॉक्टर साहब को एक बार फिर मुबारकबाद पेश करते हैं। और अब हम दुआ करते हैं एशियन एडिशन से बड़ा अवार्ड, कोई इंटरनेशनल अवार्ड आपको मिले, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, मुबारक हो। और आपकी तारीफ और आपकी तारुफ इन दोनों में मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ, मेरे पास लफ्ज़ों का वो जखीरा वो हुनर वो जाल नहीं है जो खालिद के पास है, जो हमारे जाफरी साहब के पास है बिल्कुल, और हमारे बहुत ही प्यार करने वाले सब लोग यहाँ मौजूद हैं जो आपसे मौजूद हैं, उससे बनाएँ मुस्तबा नकवी साहब को मुझे से ताल्लुक रखते हैं और इसलिए हम एक नकरीब उससे वापस होते हुए भी मेरी बात भी हम यहाँ आए। नदीम जफर साहब की मोहब्बत है, नदीम साहब क्या सिखाएँ, नदीम भाई का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे साथी और साथ साथ आज हम की एक बड़ी जिम्मेदारी निभाते रहे इंतहाई के साथ। और साथ नेपाल भाई हमारे सबसे बड़े मदरस हैं, तो आपने बच्चों के लिए सबसे बुनियादी काम होता है कि सबसे मुश्किल सिंफ है गाने में बच्चों के ऊपर काम करना, तो डॉक्टर साहब ने बच्चों के लिए रेडियो पाकिस्तान से बेशुमार नज़में 104 हवाला है जो इनका बाय प्रोफेशन मेडिकली जो है उसके बाद जो इनके ये शौक और बच्चों के लिए खास तौर से, तो उसके लिए मैं उनका फैन हूँ और मैंने वो सुने भी है, बहुत शानदार है। अभी आदिल भाई ने बगैर म्यूजिक के और जो बाहर से नॉइज़ आ रही है उसके साथ गाने का गाया है, तो सिर्फ दो साइज और जो शायद भी बगैर म्यूजिक के क्या बात है, ये मेरा बचपन का दोस्त है रफी सर। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी तुम हाँ, मोहब्बत जो होती है वो लोगों को खींच के लेकर आ जाती है उस जगह पे
कि जहाँ उसके मोहब्बत करने वाले और महबूब लोग मौजूद। क्या बात है, यही वजह है कि आज आपने रिकमेंड के लिए आज इतने बहुत सारे लतीफ़ साहब के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं मोहम्मद अहमद शाह साहब के, जो पाकिस्तान के अंदर से सकाफत कटन का जिनका पूरी दुनिया में खून बची हुई है। माशाल्लाह, कल शाह साहब अमरीका जा रहे हैं 24 तारीख को, वहाँ पर भी एक अफवाह उर्दू कॉन्फ्रेंस है, इस दिन में उन्होंने उसके बावजूद आने का वादा किया था कि मैं आऊँगा, लेकिन चूँकि चीज़ें टाइम इतना शॉर्ट है मुझे उसका अंदाज़ा है कि कल सुबह उनकी फ्लाइट है तो इस वक्त यहाँ पर आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसमें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो भारत इकबाल लतीफ़ साहब उनकी नुमाइंदगी के लिए यहाँ मौजूद हैं, तो दावत खिताब दूँगा इकबाल लतीफ़ साहब को कि वो दशा के वो खिलाड़ था आज गुलाब की खुशबू से फायदा उठाएंगे पाकिस्तान के सदर लीडर रहनुमा भाई दोस्त हमारे अहमद शाह के चाहने वालों का एक ग्रुप जिसका नाम है आर्ट फ्रेंड सर्कल, जिसे हमारे बहुत सारे दोस्तों ने मिलकर बनाया और आज मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आर्ट भी हमारे यहाँ मौजूद है, फ्रेंड भी मौजूद है और सर्किल भी मौजूद है, और ये किसी फर्द वाहिद के क्रेडिट की बात नहीं है, ये हम सब इज्तिमाई तौर पर एक ऐसे लीडर के साथ कोई 20 साल से, कोई 10 साल से, कोई 5 साल से वापसता है जिसने हमें जुड़ के रहना सिखाया है, और इसी जुड़ के रहने की वजह से आज किसी में हिम्मत नहीं है कि इलेक्शन में हिस्सा लें। कुछ लोग सुना है तैयारियाँ कर रहे हैं लेकिन बहुत उनकी आंसुएं मिट जाएंगी जब इलेक्शन के लिए ग्राम होंगे अपने साथ। भारत आज का दिन एक ऐसे दोस्त, एक ऐसे भाई, एक ऐसे साथी के एजाज में ये तकलीफ हो रही है जो तकरीबन आप सबसे ज़्यादा जिससे मेरा अरसे के अतबार से ताल्लुक रहा है पाकिस्तान टेलीविज़न की वजह से। पाकिस्तान टेलीविज़न में भाई नहीम, डॉक्टर नहीम नईमुद्दीन कंवल ने वहाँ कारकुनों के लिए और कारकुनों के बच्चों के लिए, उनके घर वालों के लिए जिस तरह दिन रात खिदमत करके उनके इलाज मुआवजे की जिम्मेदारी संभाली, तो आज पाकिस्तान टेलीविज़न बहुत फख्र से इन्हें चीफ मेडिकल ऑफिसर बना चुका है। बात है इनकी जो खिदमत है उसके कई पोर्शंस हैं, इनकी जिंदगी के, इनकी शख्सियत के भी कई कई पहलू हैं। एक पहलू तो एक मेडिकल आदमी का, एक ऐसे शख्सियत का जो मेडिकल फैसिलिटीज के लिए काम करता है, एक पहलू खिदमत खल्क का जो ये आम इंसानों के लिए कोई दोस्त किसी का जानने वाला बीमार हो, मुश्किल में हो, परेशानी में हो, रात के 3 बजे भी डॉक्टर नईम साहब सबसे पहले मौजूद होते हैं, ये खिदमत खल्क का जो ये जज्बा है ये भी कमाल का है। दूसरा इनका पहलू जिसके लिए बहुत से लोग बात तो कर चुके हैं लेकिन मैंने भी अपने पाकिस्तान टेलीविजन की जुदाई दौर में बच्चों के 300-400 प्रोग्राम किए थे सुहेब राणा के साथ और चंद चंद चले सारे दोस्त हमारे, और आज बहुत सारे नगमे जो सुपर हिट हैं उनमें से तकरीबन 70% ऐसे हैं जो मैंने प्रोड्यूस किए थे, और तो मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूँ कि बच्चों के लिए सोचना, बच्चों के लिए लिखना, उसके लिए बच्चे की उम्र के हिसाब से अपने आप को सोचना पड़ता है, उस उम्र में आज अपने आप को जाहिर करना पड़ता है जिस उम्र के बच्चे के लिए आप लिख रहे हैं। तो ये डॉक्टर नईम का कमाल यह है कि पहली दूसरी तीसरी चौथी क्लास के बच्चों के लिए, मैट्रिक के बच्चों के लिए, फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए, इन सब के लिए ये अलग-अलग तबाजबाई करते हैं। बच्चों के जो रेडियो पाकिस्तान के प्रोग्राम में 104 नब्बे लिखना या 4 नब्बे लिख के लोग अपने आप को 30 बार ना समझते हैं। डॉक्टर नईम कि 104 सर, जरा सोचिए, तस्वुर कीजिए कि 104 नब्बे लिखना
कम से कम इंसान के बस की बात तो नहीं है, डॉक्टर नहीं की बस की बात ये इंसान की खून खुशियात देते हैं। अब आप देखिए इंसानियत के लिए जब ये काम कर रहे हैं तो पाकिस्तान में कितने ऐसे हैं, कितने ऐसे डॉक्टर्स हैं, कितने ऐसे डर्मोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इंसानियत की खिदमत के लिए और एंटीबायोटिक के ऊपर काम करने के लिए काम किया। जब हमें अमेरिका जैसे मुल्क में जिन्हें एशियन एडिशन का खिताब उनका था, हमारे पास एशियन एडिशन है और ये कमाल है। तो दोस्तों ये सब बातें ये रस्मी बातें नहीं है, हम जो यहाँ जमा हुए आदिल ने और इनके साथ दूसरे दोस्तों ने तारिक ने नफीस और इन्हें और जिस तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया इस प्रोग्राम को, उनका क्रेडिट जरूर है लेकिन असल क्रेडिट इस शख्स का है जिसकी मोहब्बत में हम सब यहाँ चला। अब मैं डॉक्टर नईम साहब से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं माजरा खाऊँ कि मेरे पास आपकी पूरी रिसर्च मौजूद है लेकिन इस वक्त ऐसा मौका नहीं है कि मैं वो तमाम अवार्ड्स जो आपको मिले हैं वो बताएं। आप जब अपनी तकलीफ करें तो हमें फुल नवाजें इस बात से कि आपको किस मुल्क में किस शहर में किसने क्या दिया और वो जो एक खास आपको भेज चलेगा मैं फिर तो जनाब जो हम इनसे सुनेंगे उससे पहले इन्हें ये इधारे मोहब्बत के लिए ये हार पहनाए जाएंगे। फजलती साहब जो है वो हार पहनाए इसके बाद मैं दावत दूंगा प्रोफेसर गुलाम साबिर साहब को हमारे डॉक्टर नईम कमल साहब के दोस्त हैं वो इनको हार पहनाए। बारी बारी आपको ताकि दूसरे का नाम ले लेना ताकि वो वसीम फारूकी साहब आजम खान साहब और खलील अहमद साहब अली बड़ी साहब भी हैं जनाब नफीस वाली साहब संभालिया कमेटी के चेयरमैन हमारे हार पहनाएंगे एक तरफ से आप ले जाएंगे। रफीक मजीद भाई जनाब तालियां वालियां बजाएं थोड़ा महफिल में जान पड़नी चाहिए। अजीब सफर साहब मौजूद है यहाँ पे डॉक्टर साहब ये आप एक तो आपने जब कबूल है कहा था और आज दोस्तों की वापस कबूल की है हाँ सर वो जापान की कहावत है जिस तरफ के जितने फलों से वो नहीं छुपा हुआ होता है। शहजाद रजा भाई रहमान भाई मुश्तबा भाई इंतजा भाई मुश्तबा गुलाम मुश्तबा भाई तुबा नकवी आ जाओ मंसूर साहिब खालिद दानिश भाई हमारा ग्रुप जो है ना वो टूट जाएगा वरना खालिद दानिश भाई
आ जाइए, पता नहीं आप किन किन से लगे रहते हैं, ये हमें अफसाना बाद में लिख लेना, व्हाट्सएप के ऊपर फेसबुक अफसाना बाद में लिख लेना भाई जान। मुजफ्फर वो एक शेर है ना फूलों से, ये फूलों से ये डॉक्टर झुकाया ना जाएगा, फूलों से झुकाया ना जाएगा, ये डॉक्टर किसी से झुकाया ना जाएगा। हमारे खालिद दानिश भाई जनाब शमसुद्दौला ज़ुबैरी साहब है ना, छोटा खाना बहन लो यार, कोई प्यार नहीं। अरे भाई तारिक रहमानी साहब, तारिक रहमानी साहब लेकिन हार में भी है अपनी जीत, सच ही सुना है इश्क में राजी मात नहीं। अब्दुल्ला साहब, अब मैं अब्दुल्ला भाई रह गए, अरे हमारे इकराम भाई रह गए भाई, हारों के हार है डॉक्टर साहब, मैं हार आपको मेरा दावा है। कौन रह गया?